राजस्थान की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें डीपीके न्यूज। नमस्कार, खबर राजस्थान में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ हर्ष चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की सुर्खियों के साथ। जम्मू कश्मीर में हुए बम ब्लास्ट में भरतपुर का सपूत सौरभ कटारा शहीद, 16 दिन पहले हुई थी शादी। चौथी क्लास में पढ़ने वाली नाबालिग से दुष्कर्म का आरोपी फूफा गिरफ्तार। वृद्ध महिला के गले से अज्ञात लुटेरों ने तोड़ी सोने की कंठी, पुलिस ने मामले को लिया गंभीर। और अब खबरें विस्तार से। राजस्थान का एक और सपूत मंगलवार शाम को जम्मू कश्मीर में हुए बम ब्लास्ट में शहीद हो गया। भरतपुर के बरौली ब्राह्मण गांव के 25 वर्षीय सौरभ की 16 दिन पहले 8 दिसंबर को शादी हुई थी, तो वहीं छुट्टियां खत्म होने पर 5 दिन पहले ही वापस ड्यूटी पर कुपवाड़ा लौटे थे। शहीद की पत्नी पूनम और परिजनों का इस दुग्ध समाचार के बाद रो रोकर बुरा हाल है। तहसीलदार अलका श्रीवास्तव के अनुसार शहीद सौरभ की पार्थिव देह बुधवार शाम को उनके गांव आने की संभावना है। राज्यपाल कलराज मिश्रा, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और विधानसभा अध्यक्ष डॉ. सीपी जोशी ने शहादत को सलाम किया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट ने भी वीर सपूत की शहादत को नमन करते हुए ट्वीट किया। तो बारा से छिपा बड़ोद से खबर, जहां क्रिसमस पर्व को लेकर जहां आज ईसाई समाज के लोगों में चारों ओर खुशियां देखी जा रही है, तो वहीं बारा के छपड़ा में पिपलोद में गत 3 दिनों से समाज के लोगों द्वारा विभिन्न भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। छपड़ा के हिलव्यू कॉलोनी स्थित बेशरफा चर्च में ईसाई समाज के लोगों द्वारा जहाँ विशेष प्रार्थना सभा रखकर देश में अमन चैन खुशहाली के लिए दुआ मांगी गई, प्रभु ईशा को संदेश को शुभ केरल्स गीत के रूप में सुनाया गया। बेशरफा चर्च के फास्टर दीपू डी के नेतृत्व में समस्त ईसाई समुदाय को प्रोत्साहित करते हुए सांता क्लोज बंद स्कूलों व बाजारों में जाकर बच्चों को उपहार बांटे गए। तो वहीं आज 25 दिसंबर को छबड़ा के बेशरफा व पिपलोद में चर्च में विशेष प्रार्थना सभा का आयोजन होगा। पिपलोद में जहाँ 100 वर्ष पुरानी परंपरा का निर्वाह करते हुए आज से 3 दिवसीय मेले का शुभारंभ तो होगा ही, साथ ही समाज के सैकड़ों लोग आज इस पर्व को विशेष उत्सव के रूप में मनाएंगे। तो वहीं राजस्थान, मध्य प्रदेश व अन्य प्रदेशों से ईसाई समाज के लोग आज विशेषकर पिपलोद पहुंच अपनी वर्षों पुरानी परंपरा का निर्वाह करते हैं। संपूर्ण पिपलोद गाँव में स्थित चर्च को दुल्हन की तरह सजाया गया है व जहाँ आज से इस मेले में आगामी 3 दिनों तक भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों व विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन होगा। खबर नागौर से, जहाँ बचपन प्ले स्कूल छोटी खाटू में क्रिसमस पर्व में मनाया गया, जहाँ जिसमें छोटे छोटे बच्चों ने बहुत सी प्रस्तुतियां दी और कुछ बच्चे सांता क्लोज बने हुए बच्चों को उपहार व चॉकलेट वितरित कर रहे थे। इस दौरान विद्यालय स्टाफ ने ईसा मसीह के जन्म दिवस के रूप में मनाते हुए क्रिसमस पर्व पर केक काटकर सभी को वितरित किया गया। इस दौरान अध्यापिका काजल जेल ने मंच संचालन किया, तो वहीं ईसा मसीह के जीवन की अच्छाइयों के बारे में बच्चों को रूबरू करवाया। इस दौरान विद्यालय अध्यापिका अंजलि जोशी, गीता वैष्णव, माया सोनी व विद्यालय का स्टाफ उपस्थित रहा। तो खबर घड़साना से, जहां IGNP में पानी की मांग को लेकर क्षेत्र का किसान मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में एक बार फिर आंदोलन की राह पर है। कस्बे के लॉयंस भवन में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के बैनर तले कार्यकर्ता सम्मेलन तहसील कमेटी घड़साना द्वारा आयोजित किया गया, जिसमें IGNP को 4 में से 2 ग्रुपों में पानी की मांग वक्ताओं में मुखर रूप से उठाई गई। वक्ताओं में पूर्व विधायक पवन दुग्गल, जिला सचिव शोपत मेघवाल रायशनगर ने अपने विचार रखे। पूर्व विधायक पवन दुग्गल ने कहा कि डैम पर्याप्त पानी होने के बाद भी पानी नहीं मिल रहा, यह सरकार किसानों को उजाड़ने का काम कर रही है। हमने राज भाजपा का भी देखा है और हमने राज कांग्रेस का भी देख लिया, यदि पानी संग्रह से मिलता है तो हम हर स्थिति में पानी लेकर रहेंगे। पूर्व विधायक पवन दुग्गल ने सरकार को चेतावनी दी कि IGNP में 4 में से 2 ग्रुप नहीं चलाए तो हम चुनाव नहीं होने देंगे। माकपा के जिला सचिव शोपत मेघवाल ने 30 दिसंबर को अनूपगढ़ में उपखंड अधिकारी कार्यालय का घेराव की प्रशासन को चेतावनी देते हुए घोषणा भी की, पानी तो हम लेकर रहेंगे चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े, लेकिन किसानों की फसल बर्बाद नहीं होने देंगे। वहीं जिला परिषद डायरेक्टर विष्णु बाबू ने किसानों की फसल पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि पानी के अभाव में
किसानों की फसल खराब हो तो सहन नहीं होगा, खेतों में खड़ी फसल बचाने के लिए चाहे हमें खून बहाना पड़े लेकिन फसलों को पकाकर ही चैन की नींद लेंगे। जिला परिषद सदस्य विष्णु बांबू, वरिष्ठ कामरेड लक्ष्मण सिंह, छात्र नेता शोभा सिंह ढिलो, हरविंदर सिंह संधू, ठाकर राम सहित सैकड़ों की संख्या में माकपा के पदाधिकारी व कार्यकर्ता शामिल हुए। पूरी तरह नष्ट हो जाएगी और सरसों की फसल में अगर पानी लगाया गलती से किसान ने तो कणक जाएगी और कणक में लगाया तो सरसों जाएगी। इसलिए अब 17 दिन का जो पानी आया इन्होंने रेगुलेशन जिद करके जो किया है इसको तोड़ने के खिलाफ 30 को अनूपगढ़ के अंदर पड़ाव डालेंगे और फिर अनूपगढ़ ही नहीं विजयनगर सूरतगढ़ से लगाकर पुगल तक सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे। लेकिन ये तय है कि हर हालत के अंदर इस इलाके की फसल को बचाएंगे। और दूसरा, ये जो चुनाव आया है चुनाव भी ऐसे टाइम पे आया है और हम आपके माध्यम से सरकार को ये चेतावनी देते हैं कि सरकार चाहती है शांतिपूर्ण चुनाव हो जाए तो चुनाव हमारा बाद में है, पहले इस इलाके का पानी है, पहले किसान इस इलाके में है। इसलिए चुनाव की तारीख डिक्लेयर बाद में हो, उससे पहले इस इलाके का रेगुलेशन 4 में 2 सरकार करे, नहीं तो फिर नेट। और इस चेतावनी के साथ ज्ञापन भेजा है कि सरकार जानबूझकर अपनी जिद पे अड़ी हुई है और पर्याप्त पानी होने के बावजूद भी गहलोत सरकार और उसका सिंचाई विभाग प्रथम चरण के किसान को बर्बाद करने पर तुला हुआ। हमारी सरकार को चेतावनी है कि बार बार चाहे वो विजयनगर ऐसी दफ्तर हो, चाहे रावड़ा का तहसील कार्यालय हो, चाहे आज गढ़साना का SDM कार्यालय हो, हम शांतिपूर्ण तरीके से सारे मुख्य प्रतिनिधि कार्यकर्ता यहाँ पर ज्ञापन देने के लिए आए हैं और SDM साहब के मार्फत सरकार को सिंचाई विभाग को चेतावनी। खबर पाली के देसूरी से, जहाँ उपखंड क्षेत्र का सबसे बड़ा धार्मिक स्थल श्री सोनाना खेताजी सारंगवास में आज गुरु समाज के सभा सवन का लोकार्पण व भामाशाह का सम्मान समारोह का आयोजन हुआ। श्री परमहंस स्वामी महेशानंद पुरी जी महाराज समाज व धर्म गुरुओं के सानिध्य समारोह का आयोजन हुआ। समारोह में समाज के भामाशाह का सम्मान किया गया। समारोह के समाज के गणमान्य लोग भी उपस्थित रहे। इस अवसर पर समारोह में कृष्ण भक्त महेंद्र सिंह राणावत के मुख्य अतिथि व IPS सुनील गर्ग, समारोह के अध्यक्ष मांगीलाल गर्ग, पूर्व विधायक व मंत्री जोगरेश्वर गर्ग, पूर्व विधायक पुखराज गर्ग, मंत्री अर्जुन गर्ग, संयोजक मनरूप जी गर्ग व समाज के अध्यक्ष जागृति मंच बसंती लाल गर्ग, अध्यक्ष 5 परगना कपूरचंद गर्ग, विजयराज गर्ग, खित्रपाल गर्ग व गणमान्य लोग मौजूद रहे। खबर करौली से, जहां बीते दिनों करौली जिला मुख्यालय पर चौथी कक्षा में पढ़ने वाली नाबालिग से रिश्ते के फुंफा द्वारा दुष्कर्म के मामले में महिला थाना अपराध विशेष प्रकोष्ठ द्वारा आरोपी दीनदयाल माली को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी को पॉक्सो कोर्ट में पेश किया जहां से उसे 6 जनवरी तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। महिला थाना अधिकारी शैयद शरीफ अली ने बताया कि जिला मुख्यालय निवासी पीड़िता के पिता ने 22 दिसंबर को मामला दर्ज करवाया था। पीड़िता के पिता ने बताया कि वह और उसकी पत्नी सुबह मजदूरी पर चले गए। इस पर उसकी पत्नी सुबह मजदूरी पर गई तो इस दौरान उनके रिश्ते के बहनोई और नाबालिग के फूफा दीनदयाल माली निवासी सेवा गांव थाना वजीरपुर ने चौथी कक्षा में पढ़ने वाली उसकी बेटी के साथ दुष्कर्म किया और फरार हो गया। घटना की जानकारी मिलने पर उन्होंने कोतवाली थाने में शिकायत सौंपी। इसके बाद SP अनिल बेनीवाल के निर्देशन में 2 टीम गठित कर आरोपी की गिरफ्तारी के प्रयास शुरू किए। मंगलवार को महिला प्रकोष्ठ विशेष अपराध शाखा DSP किशोर बुटोलिया व महिला थाना अधिकारी शैयद शरीफ अली की टीम ने दुष्कर्म आरोपी दीनदयाल माली को गिरफ्तार कर लिया। तो वहीं करौली में पहली बार रॉक स्टार डांस स्कूल की ओर से नेशनल लेवल का डांस कॉम्पिटिशन KDC करौली डांस चैंपियनशिप आयोजित होगा, जिसमें मशहूर डांसर सुजान मारपा डांस प्रशिक्षण देंगे। कार्यक्रम का सेमीफाइनल 27 दिसंबर को शिव अशोक मैरिज गार्डन में 11 बजे से आयोजित होगा, जबकि डांस वर्कशॉप 28 दिसंबर को होटल करौली इन में आयोजित होगा। कार्यक्रम संयोजक पंकज सिकरवार व अदनान मंसूरी ने बताया कि विजेता को 52,000 रुपये कैश प्राइज दिया जाएगा व कार्यक्रम के लिए एंट्री पास रखे गए हैं, जिनमें स्कूली छात्र छात्राओं के लिए विशेष छूट दी गई है। खबर जालौर के आहोर से, जहां क्षेत्र में मानव सेवा को समर्पित श्री साईनाथ सेवा संस्थान, जो आपातकालीन परिस्थितियों में रक्त की जरूरत के समय हर व्यक्ति पीड़ितों के लिए मसीहा बन रही है,
संस्था के अध्यक्ष विजय त्रिवेदी ने अपने जन्म दिवस के अवसर पर रक्त की कमी से ग्रसित पीलिया रोग में रोहिड़ा निवासी 5 वर्षीय बालक भीखाराम पुत्र लालाराम गरासिया को सूचना मिलते ही तुरंत पहुंचकर अपना बी पॉजिटिव रक्त देकर बालक को अन्यंतर रेफर होने के संकट को दूर कर उसकी जान बचाई। बालक के शरीर में केवल 4 पॉइंट हीमोग्लोबिन शेष रह गया था। गरीब परिवार में माता पिता के अलावा कोई साथ नहीं था व पिता में भी हीमोग्लोबिन की कमी थी। बालक को अभी 2 और यूनिट की जरूरत रहेगी जो संस्था द्वारा समय पर उपलब्ध करवाया जाएगा। एक अन्य केस में संस्था के जुड़े महेंद्र माली ने अपना ए पॉजिटिव रक्त डिलीवरी दे केस में फतेह देवी गरासिया निवासी गांव वरली को दिया। डिलीवरी सफल कराकर जच्चा बच्चा को जीवनदान दिया। विजय त्रिवेदी ने बताया कि वो स्वयं हर 3 माह से रक्तदान करते हैं और अन्य युवाओं को भी सबसे बड़े महादान के लिए। तो खबर पाली जिले के जेतारण क्षेत्र से, जहां सोने की कंठी लूटने की फिर से वारदात हुई। आनंदपुर कालू पुलिस थाना क्षेत्र के बलुंदा गाँव में तेजपुरा चौराहे के पास मंगलवार को एक वृद्ध महिला के गले से सोने की कंठी तोड़कर अज्ञात लुटेरे फरार हो गए। मिली जानकारी के अनुसार 65 वर्षीय भंवराई पत्नी लादुराम, जो कि बलुंदा के तेजपुरा चौराहे के पास नाड़े वाले रास्ते पर थी, उस दौरान 2 युवक मोटरसाइकिल पर उसके पास रुके और पानी पिलाने व खेतों की जानकारी लेने की बातों से लेकर सोने की कंठी तोड़कर मोटरसाइकिल लेकर भाग गए। मामले को लेकर आनंदपुर कालू पुलिस थाना भीखाराम ने मामला दर्ज कर लिया और गंभीरता से जांच भी शुरू कर दी। लेकिन क्षेत्र में कंठी लूटने की वारदात होने से विशेषकर महिलाओं में डर की चर्चाएं चल रही है। वहीं ग्रामीण सहित बलुंदा सरपंच दिलीप सिंह पुनिया ने अज्ञात चोरों को जल्द ही गिरफ्तार करने की मांग की है। प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन क्रिसमस के रूप में जहां पूरे देश में मनाया जा रहा है, तो वहीं जोधपुर में भी क्रिसमस की धूम देखी जा रही है। जोधपुर के पाल रोड अशोक उद्यान स्थित एक केक बेकरी शॉप में क्रिसमस के लिए 170 किलो का विशाल केक तैयार हुआ, जो कि एक निजी स्कूल में खास क्रिसमस सेलिब्रेशन के लिए तैयार किया गया। इसकी तैयारी के लिए करीब 20 कारीगर लगे और एक हफ्ते की कड़ी मेहनत के बाद 170 किलो का केक लगभग तैयार हो चुका है, जो देखने में काफ़ी विशाल है। करीब 9 फीट ऊंचाई, 12 फीट लंबाई और 4 फीट चौड़ाई के इस केक को देखने के लिए बच्चों में कौतूहल का विषय है। क्रिसमस से ठीक एक दिन पहले और इस सेलिब्रेशन में स्कूल के बच्चे भी अपने पेरेंट्स के साथ शामिल हुए, जहां एक लघु नाटिका द्वारा भगवान यीशु मसीह का जन्मदिन दिखाया गया। क्रिसमस से ठीक एक दिन पहले स्कूल में जब बच्चों को एक विशाल केक देखने को मिला, तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। बच्चों ने ईसा मसीह के जन्मदिन को हर्षोल्लास से मनाया। वहीं इस स्टेज पर बच्चों ने सेंटा क्लॉज बनकर डांस भी किया। साथ आज के दिन को ईसा मसीह के जन्मदिन के रूप में पूरी दुनिया बनाती है, तो वहीं जोधपुर के स्कूल में अनोखे तरीके से लाइव बड़े केक के साथ सेलिब्रेशन करके ईसा मसीह का संदेश बच्चों को बताया। ये केक पाइनएप्पल, रिच पाइनएप्पल फ्लेवर का है। 170 किलो का ये केक है, टोटल 12 फीट का केक है और इसको बनाने में हमको 25 से 30 घंटे ऑलमोस्ट लगे हैं, ठीक है। और उसके अलावा हमने इसमें टोटल सिर्फ 5 लोगों ने इस केक को बनाया है, इंक्लूडिंग मी एंड माई शेफ, और ये तकरीबन अब 2000 लोगों में बांटा जाएगा। आज कितने किलो का है ये? 170 किलो का, 170 kg का। द्वारा ये क्रिसमस का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न माध्यम से बच्चों के अलग अलग कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए, कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए जीजस के जन्म से लेकर किस प्रकार जीजस का जन्म हुआ और विभिन्न प्रकार के उनके संदेशों के माध्यम से इस लकी इंटरनेशनल द्वारा एक बड़े केक को कटिंग करके इस बहुत सुंदर आयोजन किया गया। पूरी स्कूल को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं, और जोधपुर शहर विधायक होने के नाते पूरे जोधपुर को शुभकामनाएं देती हूँ क्रिसमस पर। हर वर्ष की तरह हम लोग प्रभु यीशु मसीह का जो जन्मदिन है बड़े धूमधाम से स्कूल में मनाते हैं अपने, और इस वर्ष भी उसी तरह मना रहे हैं। मगर स्पेशल इस बार हम लोगों ने जो केक बनवाया है वो एक सेंटा क्लॉस पूरा स्लेज के साथ 170 केजी का केक वो खींच कर लाता है और लाइव है, वो बच्चा भी उसमें सेंटा लाइव बना है, और बच्चों के लिए एक मेजर अट्रैक्शन रहता है। हमारे बच्चे काफ़ी दिनों से इस सेलिब्रेशन का वेट करते हैं, और बच्चे ही नहीं जोधपुर शहर में भी एक यूनिक फीचर है हमारा क्रिसमस सेलिब्रेशन। जोधपुर में आज से हम लोगों ने 10-15 साल पहले से शुरू किया था, तब से ये बच्चों और जोधपुर निवासियों के लिए
मेजर अट्रैक्शन रहा है। क्या संदेश देता है सर ये? इसमें प्रभु यीशु मसीह की जो भी शिक्षाएं हैं, जो भी अच्छी बातें उन्होंने जो कही, जिसको आज पूरा विश्व मानता है, उसके द्वारा हम लोग विभिन्न नाटकों द्वारा और बच्चों में वो चीज़ बताई जाती है, और जिसमें पेरेंट्स भी इन्वॉल्व होते हैं, टीचर्स तैयार करते हैं बच्चों को, और सारे मैसेज जो दिए जाते हैं वो मानवता के लिए सेवा करना उन जो भी अच्छा। और खबर मध्य प्रदेश से, जहां नरसिंहपुर जिले की धार्मिक नगरी कही जाने वाली ग्राम पंचायत बरमान कला कॉलेज में नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच व स्टारटेक संस्था ने नशा मुक्त अभियान की शुरुआत की, जिसमें तेंदुखेड़ा SDOP सवातला थाना प्रभारी, कॉलेज प्रबंधन तथा ग्राम पंचायत के सरपंच, सचिव मुख्य रूप से उपस्थित रहे। हम आपको बता दें कि नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शन मंच पर हर वर्ष नशा मुक्ति अभियान की शुरुआत करता है, जिसमें यह मंच जगह जगह जाकर कार्यक्रम आयोजित करता है और नशे के दुष्परिणामों को बताते हुए लोगों को जागरूक करता है। आज नशे की वजह से अधिकांश घर परिवार बर्बाद हो रहे हैं, ज़्यादातर अपराध नशे की वजह से हो रहे हैं। हत्या, बलात्कार जैसे कई संगीन अपराध में नशा मुख्य भूमिका निभाता है। जिला अध्यक्ष अभय बानगात्री का कहना है कि लोगों को जागरूकता लाकर हम नशे की गिरफ्त से बाहर निकाल सकते हैं। SDOP तेंदुखेड़ा मोहती मराबी और सुआतला थाना प्रभारी अकरजय ध्रुव ने कॉलेज के छात्रों को नशे के दुष्परिणाम बताए और छात्रों को अपनी सेफ्टी के कई तरीके भी बताए। मैडम, आज आपके कॉलेज में नशा मुक्ति अभियान का एक शिविर लगा था और उसमें जानकारी दी, क्या कुछ जानकारी थी और कौन कौन अतिथि आए उसमें जानकारी देने के लिए? बरमान महाविद्यालय में नशा मुक्ति संबंधी सेमिनार आयोजित किया, जिसमें थाना प्रभारी सुबहतला तथा SDOP मैडम तेंदुखेड़ा से आई हुई थी, और समाज सेविकाओं की भी महत्वपूर्ण भूमिका थी। कॉलेज के बहुत सारे प्रोफेसर्स एवं प्रिंसिपल डायरेक्टर महोदय ने अपने विचार व्यक्त किए तथा कुछ बच्चों ने भी अपने विचार नशा मुक्ति संबंधी व्यक्त किए तथा सेल्फ डिफेंस संबंधी जानकारी उन्हें प्रदान की। मैडम, छात्राएं जी जो थीं उसमें आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने काफ़ी लाभ उठाया, क्या क्या जानकारी दी और क्या कुछ उनको सीख दी कि नशा कैसे बंद करना है, समाज की कुरीतियों से कैसे बचा के रखना है? नशा मुक्ति से तभी संभव है जब सभी लोग जागरूक होंगे और अपने अपने परिचित लोगों को जो नशा संबंधी बुराइयां हैं उसे बता के और व्यक्तियों को प्रोत्साहित करना है कि नशा से दूर रहें ताकि देश का विकास हो सके। मैडम, आज जो बरमान में नशा मुक्ति अभियान का एक कार्यक्रम था कॉलेज में, क्या कुछ जानकारी दी और क्या कुछ निर्देश दिए हैं बच्चों को? हाँ, बच्चों को यही दिए कि नशा जो है शरीर और उसके लिए हानिकारक है, तो ऐसे जो है नशा से संबंधित सभी जानकारियां बच्चों को दिए ताकि वो भी आसपास के लोगों, आस पड़ोस और घर के लोगों को जो है इससे मुक्त कर सकें, और ये संदेश जो है सभी जगह जाना चाहिए, इसके लिए हमने बच्चों को एक सेमिनार के माध्यम से दिया। मैडम, कई प्रकार के नशे होते हैं, उसके बारे में क्या कुछ जानकारी थी? नहीं, नशे तो कई प्रकार के होते हैं, बिल्कुल सही है, और हमने सभी बच्चों को जहाँ तक हो सके सारी जानकारी दी कि हर नशे के कुछ ना कुछ दुष्परिणाम है, वो भी बच्चों को बताया। नशे बिल्कुल कई प्रकार के होते हैं, अलग अलग प्रकार के होते हैं बिल्कुल। मैडम, बरमान क्षेत्र जो आज कार्यक्रम किया गया बरमान क्षेत्र में, वहाँ पे 100 मीटर तक कोई भी शराब दुकान बंद है, उसके बाद भी ये शराब बिक रही है, अन्य प्रकार के नशे ही बिक रहे हैं, उस पर क्या कहना चाहते हैं? उसमें हम बिल्कुल कार्रवाई करेंगे, हमारे संज्ञान में आएगा, बिल्कुल हम कार्रवाई करेंगे। मैडम, जो ठेका लाइसेंस बंद किया था उसके कुछ ही दूर जो ढाबे चल रहे हैं उन पर खुलेआम दारू बिक्री और ये नशीले पदार्थ बिक रहे हैं, तो उस पर नहीं, हमारे बिल्कुल हमारे संज्ञान में आएगा, बिल्कुल जो भी वैधानिक कार्रवाई हम बिल्कुल कार्रवाई करेंगे। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, और तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए DPK News। नमस्कार।